Hey guys, what's up? Welcome to a new day, to a new tutorial, and welcome back to my channel, Nishad Chandra Project. सो गाइज आज का ट्यूटोरियल जो है वो कंटिन्यूएशन है हमारे पिछले वीडियो का ट्यूटोरियल का. आई एम श्योर आप लोगों ने देखा ही होगा ऑन हाउ टू मेक दैट बॉलीवुड बीट एंड वाज अ प्रीटी एक्साइटिंग बीट. और आज जो पार्ट टू है वो उस पर मैं आपको बताऊंगा कि बेस को लेयर कैसे करना है और उस ग्रूव के साथ हम बेस को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यू नो, टू मेक इट साउंड अ लिटिल कमर्शियल थिंग. एंड जिन लोगों ने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है, आई सजेस्ट आप लोग एक बार वो वीडियो देख लीजिए जाकर. एंड आई एम ड्रॉपिंग अ लिंक टू दैट वीडियो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप ज़रूर देखिएगा. एंड आज जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो इट्स अ हेल्पफुल टिप आप लोगों के लिए फॉर योर प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसिंग बेस साउंड एंड एवरीथिंग. सो लेट्स गो बिगिन. राइट गाइज, तो ये प्रोजेक्ट तो आप लोगों को याद होगा, ये लास्ट एपिसोड से हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. सो बिफोर वी यू नो स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट बेस लाइन, एक बार थोड़ा सा लूप सुन लेते हैं एक दो बार, तो आप लोगों को भी एक थोड़ा फ्लैशबैक हो जाएगा. सो लेट्स गो डू दैट फर्स्ट. सो दिस वॉज द ग्रूव. बिफोर वी गेट ऑन, एक बार इस ग्रूव को लूप कर लेते हैं एक बार और. एंड लेट्स डू दैट. ओके, तो बिफोर हम इसको स्टार्ट करें ले डाउन करना, सी बेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सॉन्ग. नॉट ओनली ये कि वो सिर्फ लो एंड्स देता है या उसको फिल करता है, बट एक वो ब्रिज है बिटवीन द रिदम एंड द मेलेडी. हम ऑलवेज बोलते हैं कि बेस इज अ पार्ट ऑफ द रिदम, लेकिन एक्चुअली वो ब्रिज है, एक मेलेडी और रिदम को लेकर चलता है, वो पकड़ के चलता है. और आजकल जैसे हम ग्रूव्स बना रहे हैं, यू नो, वो वाला ज़माना नहीं रहा कि हम सिंगल नोट बेसिस दे और वो सिर्फ सपोर्टिव रहे, यू नो, बूम बूम करके. नो, हम ये कोशिश करते हैं कि बेस थोड़ा सा ग्रूवी हो, ग्रूव के साथ लेकर, यू नो, ग्रूव को लेकर चले साथ में. और दोनों, इट्स लाइक अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बिटवीन द बेस एंड द रिदम. तो ये याद रखना है आपको. सो डोंट मेक द बेस साउंड बोरिंग, यू नो, साउंड वाइज भी और प्लेइंग वाइज भी उसके पार्ट्स. तो मैंने कुछ ऑलरेडी बेस टोन्स लोड करके रखे हैं, तो यू नो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो. तो सबसे पहला जो टोन है वो ब्यूटीफुल बेस मैंने ढूंढा है, उसको मल्टी सैम्पलर जो है लॉजिक का, उसका ये है डिन DX बेस. सो दिस इज द साउंड. ओके, और हम उसको लेयर करेंगे. वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू यूज दिस वन साउंड, वी आर गोइंग टू लेयर इट. और मैंने इसका कुछ पार्ट बना के रखा है सो दैट वी डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन दिस. और इसका पार्ट क्या है वो एक बार सुन लेते हैं, एंड देन आई विल प्ले इट एंड शो मैंने क्या किया है. सो इसलिए मैंने वो कॉपी किया रिदम, सो दैट द बेस इज नॉट मोनोटोनस. सो व्हाट आई हैव डन इज, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग जस्ट फॉर ट्यूटोरियल पर्पस, बट आई हैव प्लेड अ G बिकॉज G माइनर में. एंड सो दैट इज द लाइन दैट आई हैव प्लेड इज. ऑफकोर्स इसको हम लोग बाद में ऑडियो बाउंस करके बैलेंस करेंगे जैसे मैं हर बार करता हूँ. तो अब क्या है कि ये जो एक सिंगल टोन है इसको थोड़ा सा और एक्साइटिंग बना दे टोनैलिटी वाइज. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लेयर दिस बेस. अब लेयरिंग में आप लोगों को कुछ चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है. सबसे पहली तो ये कि इफ़ यू आर टेकिंग अ सर्टन साउंड, अगर आपका ये बेस टोन है, तो आप सेकंड टोन को सेम टोन ऐसा आसपास लेकर उसका ऑक्टेव्स चेंज करेंगे, वो मतलब नहीं बनेगा. इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस एट ऑल. तो ये देखना है कि अगर ये एक बेस टोन लिया है तो इसको कॉम्प्लीमेंटिंग टोन क्या लें. तो जैसे कि मैंने इसका जो फर्स्ट लेयर है
वो मैंने क्या किया है, एक प्लकी टाइप टोन लिया है, विच इज दिस। सो ये थोड़ा सा एक प्लक टोन रहेगा, हमारा जो मेन बेस है वो ये है और जो उसका लेयर है वो ये है। सो इट्स अ लिटिल प्लकी। तो जब आप दोनों को ब्लेंड करेंगे तो वो आपको डिफरेंस, आपको दोनों बेस सुनाई देंगे और उनका ब्लेंड अच्छा रहेगा। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एज इट इज उस पार्ट को कॉपी किया है, सो दैट प्लेइंग सेम रहे, उसकी वेलोसिटी सेम रहे, सब कुछ सेम रहे, बिकॉज दे हैव टू साउंड द सेम, वो अलग साउंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, बट इस पर मैंने क्या किया कि इसको एक ऑक्टिव ऊपर पुश कर दिया। सो लेट्स डू दैट हियर नाउ। ओके, सो व्हेन वी हियर दिस, सो अभी आपको लग रहा होगा अरे बेस बेस टोन है, इट डजंट हैव अ बेस यू नो फ्रीक्वेंसी और समथिंग, बट वी आर लेयरिंग द मेन बेस। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट दिस शुड हैव अ लो फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसको आपको मेन बेस को कॉम्प्लीमेंट करके उसका साउंड डिजाइन करना है। सो इट्स ऑल राइट इफ दिस डजंट हैव अ लो फ्रीक्वेंसी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू नो। तो इन दोनों को आप साथ में पहले सुनते हैं। It sounds nice. Of course, इसके frequencies पे हम EQ पे थोड़ा सा work करेंगे और when we audio bounce it and bring it to our project. So ये एक part था. Now there is a third part that I wanted to use for the bass. पहले तो इन दोनों को हम सुन लेते हैं rhythm के साथ कैसा लग रहा है। Sounds nice, it's brightening up. एक और लेयर मुझे यूज करना था जो थोड़ा सा और इसको एक्साइट करता, विच इज अ लिटिल सिंथी काइंड ऑफ अ साउंड, बट मैं इसको सेम पार्ट एज सच नहीं बजाऊंगा, आई एम गोना डू अ लिटिल वेरिएशन टू इट। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना जंप ऑक्टेव्स, यू नो, जैसे कि मैंने यहां पर प्ले करके रखा है। So what I'm going to do is, जो हमारा मेन बेस लाइन क्या है वो पहले आप सुन लीजिए। ओके, तो ये जो सिंथ लेयर रहेगा बेस का, उसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने ऑक्टिव्स जंप किए हैं, तो वो सुन लीजिए कैसे किए हैं। And I'm going to open the MIDI roll also, so you all understand. अब तीनों बेस को आप अगर साथ में सुने तो सी व्हाट डिफरेंस इट मेक्स टू द साउंड। सो दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान योर साउंड्स। ओके, तो अब इसको हम रिदम के साथ एक बार सुनते हैं। उसके पहले मैंने जो सेकंड, ये जो बेस साउंड जो लेयर वन लिया है, वो मैंने लिया है फ्रॉम लॉजिक, विच इज़ अ नाइलॉन प्लक्ड बेस। ओके, एंड जो सेकंड लेयर है वो स्पायर का है मेरा, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट बैंक, बट दिस इज़ फ्रॉम स्पायर, सो इट साउंड्स वेरी नाइस। सो अब सुनते हैं ग्रूव के साथ। Sounds very nice as of now. Okay, so let's go bounce and bring it to audio. So, sabse pehle levels. Sounds good. Let's go bounce. Most important thing is you organize your projects. So, main folders, subfolders banata hoon.
I name my tracks well. We don't need these, so I'm going to delete these MIDI files because it will load unnecessary. Let's listen to this. This is fine too. Bass layer 01. No, bass layer 101 in case I make parts. And second layer. Oops, too hot. Bring it down. Perfect. Bass layer 2. Okay. अब लाते हैं इसको ऑडियो. सो थैंक गॉड एटलीस्ट मेरी मशीन थोड़ी फास्ट है. इट्स अ 24 GB रैम मशीन, सो इसलिए थोड़ा सा फटाफट काम कर लेती है ये. हल्का सा फेड आउट दे देते हैं सो वी डोंट हैव एनी जर्क्स देयर. एंड नाउ लेट अस फर्स्ट वर्क ऑन द साउंड ऑफ इंडिविजुअल बेस साउंड्स एंड देन उसको रिदम के साथ मर्ज करेंगे. पहले आपस में इनका मर्जर एक अच्छा बना लेते हैं. Sounds good. Let's work on the first layer, second bass sound. As it is, अच्छा लग रहा है, so I think we'll just blend it in. Second layer. इसका थोड़ा सा ग्रंज या हाइज उठाते हैं जस्ट टू मेक इट अ लिटिल ब्राइटर. इसको हल्का सा ना हम लोग रिवर्ब ऐड करेंगे. सो आई विल यूज वन ऑफ दीज इनबिल्ट फॉर नाउ क्रोमा रिवर्ब्स एंड लेट्स गो टू synth reverbs. Let's see what it sounds like. Tight synth reflection. Let's see. Perfect. Usually main favor mein nahi rehta hu bass mein reverbs add karna unless it's like you know absolutely necessary to just make it sound a little different. But hum log aise layering karte hain ya kuch karte to halka phulka reverb add kar dete hain kuch synth bass mein ya kuch, so just sounds a little interesting and exciting, you know, not more than that. एंड अब तीनों को मर्जर देखते हैं कैसा साउंड कर रहा है. रिवर्ब इज टू मच मैन. ठीक है, अच्छा साउंड कर रहा है. लेट्स सी इट विद द रिदम नाउ. वी बैलेंस इट टू द रिदम.
एक और ट्रिक कर सकते हैं इसमें. आई हैव अ साइड चेन गोइंग ऑन. आई थिंक कहीं तो हमने यूज़ किया है क्या रिदम साइड चेन? नो आई डोंट थिंक वी यूज्ड अ साइड चेन, बट आई डोंट थिंक वी शुड. बट द आइडिया साउंड्स नाइस एज इट इज. तो ये था लेयरिंग ऑफ द बेस, राइट गाइस? सो ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल. एंड ये जो मैंने आज आप लोगों को बताया, इट्स जस्ट अ बेसिक आइडिया. आई एम जस्ट शेयरिंग आइडियाज विथ यू कि आई एम ओपनिंग अप होराइजन्स. मतलब मैं आप लोगों को एक रास्ते दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें भी कर सकते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं, ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी चीज़ें हम करते हैं. आगे आप लोगों को इसको एक्सप्लोर करना है, इसको आगे ले जाना है अपने प्रोडक्शन में. आई कैन ओनली गिव यू आइडियाज ऑफ यू नो कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे हम चीज़ें करते हैं. बाकी आप लोगों को वर्कआउट करना है कि इसको और फर्दर हम कैसे ले जाएं और कैसे बढ़िया और कर सकें इसको. बिफोर आई रैप अप, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि ये जो एक आइडिया था बेस का, मैंने आपको जो बताया कि हम लेयरिंग कैसे करते हैं, वो एक बेसिक जनरल आइडिया है. यू नो इतने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बेस साउंड्स हैं, आप लोग एक्सप्लोर करें उसको और देखें कि गाने को सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, कौन सा बेस टोन कर रहा है. और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको बेस लेयर करना ही है. ये तो क्योंकि मुझे ट्यूटोरियल आपको बताना था कि कैसे हम करते हैं, सो आई वेंट अहेड एंड डिड दिस. बट बहुत बार ऐसा होता है कि एक अच्छा बेस टोन मिल जाता है और यू नो दैट इज़ मोर देन इनफ. बट अगर आप लोगों को लेयर करना ही है तो ये ज़रूर याद रखिए कि इफ़ यू आर टेकिंग अ सर्टन साउंड, अगर आप लोगों ने एक अच्छा साउंड यूज़ किया बेस का, तो उसी के आसपास साउंड मत ढूंढिए, उसको अलग होते हुए साउंड ढूंढिए, कुछ अलग ढूंढिए. जैसे कि यहाँ पर हमने एक फैट बेस अगर यूज़ किया है तो यू नो वी चोज अ प्लक टोन. उसके साथ हमने एक सिंथ बेस लगाया. तो अगर आप EDM इस ट्रैक कर रहे हैं तो लुक फॉर अ सब बेस विथ अ नाइस टॉप बेस और उसके साथ एक अच्छा इलेक्ट्रो साउंडिंग कुछ साउंड ले लिया, फिर एक प्लक बेस ऐड कर दिया. तो उसे तीन चार लेयर आपने बना दिए, कलेक्टिवली एक साउंड यू नो बने बेस का. तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर करनी है. मैंने तो आपको एक क्विक रन थ्रू दिया एंड हाउ दीज थिंग्स हैपन एंड दे टेक प्लेस. सो कीप वर्किंग गाइज. मैं तो आते रहूँगा अपने वीडियोस के साथ, ट्यूटोरियल्स के साथ. ये रो मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगा, जितना मेरे पास नॉलेज होगा है रादर वो मैं शेयर करूँगा. आप लोग के पास अगर कुछ है तो ज़रूर आप मेरे साथ शेयर कीजिए. दिस इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म कि मैं बहुत बड़ा कुछ सीख के बैठा हूँ. यार मैं आज भी सीख रहा हूँ, मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ. मैं काफ़ी वीडियोस अगर YouTube में देखता हूँ तो मैं भी कुछ सीखता हूँ. तो आप लोग भी शेयर कीजिए मेरे साथ. आई बी मोर देन हैप्पी कि अगर कुछ मैंने नहीं समझा है और आप लोगों ने समझा है वो मेरे साथ आप शेयर करें तो मैं भी उसको समझ पाऊँ और अपने नॉलेज को बढ़ा पाऊँ. सो दिस इज़ वेयर आई कम इन. यू नो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कुछ है मैं शेयर करूँ. इतना कुछ हम लोग इतने साल जो हमने काम किया है बॉलीवुड में, जो कुछ एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं. और अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि मैं जो भी मैंने गाने किए हैं, प्रोग्राम प्रोड्यूस किए हैं बॉलीवुड में, मैं उनके प्रोजेक्ट्स रखता नहीं हूं. मैं वो हार्ड डिस्क में बनाता हूं और उनको म्यूज़िक कंपोजर्स या प्रोडक्शन हाउस को भेज देता हूं. तो मेरे पास ज़्यादा गाने नहीं रहते ब्रेकडाउन करने के लिए अपने किए हुए गाने, जो कुछ मैंने वर्क किए. फॉर्चुनेटली एक संजू का जो गाना था बढ़िया बढ़िया, वो मेरे पास मिल गया तो आई कुड शेयर इट विथ यू. सो आई एम ट्राइंग टू गेट सॉन्ग्स फ्रॉम दीज कंपोजर्स एंड म्यूजिक कंपनीज जो गाने मैंने किए हैं. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग दीज सॉन्ग्स इन एंड होपफुली अगर वो गाने मुझे मिलते हैं तो आई विल शेयर दोज सॉन्ग्स विथ यू ब्रेकडाउन कि मैंने उन गानों को कैसे प्रोड्यूस किया. सो इफ़ यू आर लाइक दिस वीडियो, Like, share, comment and of course follow and subscribe to my channel guys. And jald milte hain with a new tutorial or maybe a vlog or some music. And see you guys very very soon. Keep working hard. Cheers.